Hey guys, welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है एक बहुत ही फन वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं रिक्रिएट कर रही हूँ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन द अर्थ मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन जी का ये लुक जो उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट पे पहना था जिसमें उन्होंने पेस्टल ब्लू कलर का गोटा पट्टी वाला सूट पहना था प्लस बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सोबर सटल मेकअप किया था एंड वेरी सिंपल हेयर स्टाइल उन्होंने रखा था. सो आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस लुक अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ. ये वीडियो किसी भी एंगल से एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट. आई जस्ट पर्सनली रियली एडमायर मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन एंड हर लाइन ऑफ वर्क. दैट इज आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस लुक दैट आई रियली लव्ड. इस वीडियो में जो मैंने आउटफिट पहना है ये मैंने खुद डिजाइन किया है फ्रॉम द स्क्रैच. फैब्रिक एंड गोटा मार्केट से परचेज करके एक एक गोटा हाथ से लगाया गया है और ये वीडियो मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूंगी अपनी मम्मी को बिकॉज ये जो पूरा आउटफिट है ये स्टिच किया है मेरी मम्मी ने. एंड थैंक यू सो मच मम्मा, जो भी मैं कहती हूँ आप उसे पूरा कर देते हैं, जो भी मैं डिजाइन देती हूँ यू जस्ट मेक इट पॉसिबल. सो अगर आप भी गाइस जानना चाहते हैं कि डिजाइनिंग कैसे की गई है तो मुझे भर भर के कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे शेयर करूं और आप भी जान पाएं कि आप अपना ये आउटफिट कैसे डिजाइन कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने जो आउटफिट मुझे पहनना था उसकी शर्ट मैंने पहन ली है सो दैट लेटर ऑन मुझे प्रॉब्लम ना हो. और हल्के से मैंने हेयर ड्राई कर लिए हैं बाल. सबसे पहले स्टेप पे मैं अप्लाई करूंगी अपना फाउंडेशन जिसमें मैंने लिया है टू पम्प्स ऑफ फाउंडेशन एंड टू पम्प्स ऑफ माय डेली मॉइस्चराइजर जो मैं लगाती हूँ अपनी स्किन पे. इसे अच्छे से मिक्स करके एज अ क्रीम मैंने इसे फेस पे अप्लाई किया है. आई एम डूइंग दिस ड्यूरिंग द डे एंड आई विल बी शूटिंग ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. सो मैंने ज्यादा फाउंडेशन अपने फेस पे नहीं लगाई है अदरवाइज द फेस लुक्स वेरी केकी. और अपने नेक को कभी भी इग्नोर नहीं करें, आपका नेक एंड फेस सिमिलर शेड का होना चाहिए. इसके बाद मैंने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर जो है शैम्बोर का और उसे अप्लाई किया है पूरे फेस पे अपना फाउंडेशन सेट करने के लिए. इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दिया है विद द शेड नंबर्स एंड द ब्रांड नेम्स. आप चाहे तो वहां से इसे देख सकते हैं. इसके बाद मैं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल विच इज द मिसक्लेयर आईब्रो पेंसिल और ये है डार्क ब्राउन कलर की. जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे आईब्रो पेंसिल्स की जरूरत है वहां वहां मैं इसे फिल कर रही हूँ. ज्यादा आईब्रो पेंसिल डार्क नहीं करनी चाहिए अदरवाइज बहुत ही आर्टिफिशियल लगती हैं आपकी आईब्रोज. देन मैंने लिया है मेबलिन का आई शेडो पैलेट जो बेसिक ब्लैक न्यूड वाला होता है और उसमें से जो शेड मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है लास्ट कॉर्नर वाला ब्राउन शिमरी ब्राउन उसे मैंने लेकर अपने आईलिड्स पे लगाया है थोड़ा सा ब्राउन कलर देने के लिए. एक्चुअल लुक में मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने जो आई शेडो लगाया है वो काफी डार्कर शेड है. देन मैंने लिया है यहाँ पे मेरा आईलाइनर और आईलाइनर लगाने के लिए तो भाई मुझे मेडल मिलना चाहिए बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में कभी पूरी आईलिड पे लाइनर नहीं लगाया है और वो पहली बार मैं लगा रही हूँ दैट टू ऑन द कैमरा. सो आई एम क्वाइट स्कैर्ड एंड इट टुक मी गुड 10 मिनट्स टू डू द यू नो होल आईलाइनर पूरा अच्छे इवनली लगाने से अच्छी तरह से लगाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा बट आई होप आई हैव डन जस्टिस. इसके बाद आता है मेरा फेवरेट स्टेप विच इज अप्लाइंग द मस्कारा. मस्कारा बहुत तसल्ली से पेशेंस से लगाएं बिकॉज ये आपकी आंखों को बहुत ही ब्यूटिफाई कर देते हैं, बहुत ही एनलार्ज बड़ा दिखाते हैं आपकी आंखों को लाइक वाइड ओपन ब्राइट सनशाइन जैसी बड़ी बड़ी आंखें आपकी बन जाती हैं मस्कारा लगाते ही. एंड देन आई विल बी अप्लाइंग द ब्लश ऑन विच इज अगेन फ्रॉम मेबलिन. मस्कारा जो था वो मेरा रेवलॉन का था एंड देन मेबलिन का यहाँ पे मैंने लिया है प्लश प्लम शेड नंबर 79 का ब्लश ऑन जो मैं अंदर से बाहर की डायरेक्शन में अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ. देन हाईलाइटर के लिए मैंने अगेन मेरा जो आई शेडो पैलेट है उसे लिया है और सेकेंड रो में सेकेंड शेड जो है उसे मैं एज अ हाईलाइटर अपने चीक बोन्स पे नोज पे चिन पे एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड पे लगाऊंगी सो दैट यू गेट दैट ग्लो. आप पिक्चर में अगर देखेंगे तो ऐश्वर्या राय जी के फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो है. ऑब्वियसली उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है बट ड्यूरिंग द मेकअप यू कैन अचीव दैट ग्लो यूजिंग दैट हाईलाइटर ऑल्सो.
एंड देन आता है स्टेप लिप पेंसिल का, जिसपे मैंने यूज किया है कलर बार का लिप पेंसिल इन द शेड क्लियर रेड 001। और इसे अप्लाई किया है, पहले मैंने इसकी फिलिंग सॉरी आउटलाइनिंग कर ली है लिप्स के आसपास, एंड देन सेम शेड को मैंने फिल किया है, बिकॉज जो शेड उन्होंने कैरी किया है इस लुक में वो शेड मेरे पास नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट लुक दैट शेड यूजिंग दिस लिप पेंसिल। एंड मेरे पास एक जो लिप शेड है उसे मिक्स करके मैं इसे लगाऊंगी। लिपस्टिक जो मैंने यहाँ यूज किया है वो है कलर बार की ऑल फायर्ड अप इन शेड नंबर 83। ये सारे डिस्क्रिप्शंस जितने भी मेकअप के डिस्क्रिप्शंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन की है, आप वहां से देख सकते हैं। हल्का सा लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने उसे रब कर लिया है फिंगर्स की हेल्प से, एंड देन एक सिल्वर स्टोन बिंदी मैंने यहाँ पे लगाई है, एंड मेरे लिप लाइनर से ही मैं यहाँ पर अपना सिंदूर लगा रही हूँ। एज शी हैज वोर्न अ बिग वेरी प्रोमिनेंट सिंदूर, तो वैसे ही मैंने इसको लगाया है। देन हल्का सा मैंने पहले ही ब्लो ड्रायर कर लिए थे अपने हेयर, तो यहाँ पे मैं अपने रोलर कॉम से बालों को मैंने ब्लो ड्रायर किया है। बाल सेट करने में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, बिकॉज मेरा हेयर स्टाइल और हेयर कट जो है वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। सो आई ट्राइड टू ब्लो ड्रायर माई हेयर स्ट्रेटली एंड रोलर कॉम से मैंने उसे थोड़ा सा सेट किया है। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और उसके साइड में जो बेल का आइकन है टिन टिन टिन, उसे जरूर प्रेस करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।